मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गिंतारा मैथ्स। आप सभी का स्वागत है। और सबसे पहले जो टॉपिक चल रहा है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, उसके बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। और न्यू अपडेट्स के लिए आप चैनल को, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कंजूसी ना करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, आप ही फायदे की बात है। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जो सब्सक्राइब लिख के आता है उसको क्लिक कीजिए, बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए। हाँ, तो हम लोग कह रहे थे कि जो टॉपिक हम लोग कर रहे हैं उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और हैं दो चार, उनको और डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। और देखिए, रेगुलर पैटर्न ये होता है कि आप क्वेश्चन को पहले समझिए पूरा। एक तो कुछ लोग क्या करते हैं कि वीडियो देखते ही नहीं है, वो क्या करते हैं, वीडियो प्ले किया, दो मिनट बाद उन्हें लगा, उन्हें तुरंत जो है कुछ टेक्स्ट किया, कुछ किया, उन्होंने कह दिया आई हैव वॉच्ड। भाई 20 मिनट का वीडियो, दो मिनट बाद तुम मैसेज कर रहे हो, बेवकूफ हो क्या? तुम्हारे ही नुकसान होगा, पेपर अपने टाइम से होगा। जिस दिन पेपर होना है, पेपर उस दिन नहीं अगर हो रहा है तो आगे होगा, चाहे जब हो, पेपर तो होगा ही। कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम पेपर होता है वो तो होता ही है, या बोर्ड एग्जाम पेपर होता है वो होता ही है, हर बार नहीं प्रमोट चलेगा तो। और जो ये बेसिक्स है यही तो सब पेपर में आती है, यही तो फंडामेंटल्स है। अगर ये नहीं आएगा तो फिर कैसे चलेगा? तो हम लोग डिस्कस करेंगे। इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि अभी देखो 2:15 बज रहा है, हम तो पूरा एफर्ट डालते हैं कि आपको ऐसा वीडियो मिले जिसमें बीच में कोई कुत्ते ना भौंक रहे हो, गाय ना रवा रही हो, है ना, कोई उधर पीछे बैठ सब्जी वाला ना आ रहा हो, तो डिस्ट्रैक्शंस ना हो, अच्छा वीडियो बने। इसलिए हम जो है देखे 2:15 बज गया है, इसलिए हम थोड़ा सा आपके लिए हेल्दी एम्बियंस एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रहे हैं, तो आप उस चीज को कॉपरेट करिए, है ना। तो देखते हैं कि जो लीनियर क्वेश्चन है उससे रिलेटेड कौन से क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट बन रहे हैं, ठीक है। जस्ट वेट, देखिए क्वेश्चन। द सम ऑफ two numbers is 74, one number is 10 more than another number, a second number. Find numbers. ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। सॉल्यूशन कैसे करेंगे? कह रहा है कि एक नंबर दूसरे नंबर से कितना ज्यादा है, 10 ज्यादा है। तो हमने क्या किया, लेट फर्स्ट नंबर इज एक्स, सेकेंड नंबर क्या होगा, एक्स प्लस 10, क्योंकि 10 ज्यादा है। लेट सेकेंड नंबर इज x प्लस 10, ठीक है। क्या लिखेंगे हम लोग, अकॉर्डिंग क्वेश्चन, x प्लस 10 इक्वल टू 74, 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 74, 2x इज इक्वल टू 74 माइनस 10, 2x इज इक्वल टू 74 माइनस 10 कितना हुआ, 64। देख लीजिए, फर्स्ट नंबर ये था, सेकेंड नंबर क्या है, ये दोनों का एडिशन 74 है, x प्लस x 2x, ये कितना है x, 74 से 10 लेस किया कितना हुआ 64, 2x इक्वल टू 64, x इज इक्वल टू 64 अपॉन 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, x इक्वल टू 32, ओके। देन फर्स्ट नंबर इज 32,
फर्स्ट नंबर कितना हो गया 32, सेकेंड नंबर कितना हो जाएगा x प्लस 10 था, तो 32 प्लस 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा 42। ऐड कर लो 42 प्लस 32 74 आना चाहिए, आ रहा है 74, आपका आंसर सही है। तो बात समझ में आई, देखो फिर से बता रहे हैं वीडियो पूरा देख लिया करो, उसके बाद आराम कर लिया करो, फिर वीडियो देखिए और क्वेश्चन को नोट करिए, देखिए आप लगा पा रहे हैं, कितना आगे चल पा रहे हैं, कितना नहीं चल पा रहे हैं। पहले क्या होता था, अभी तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि टीचर पढ़ा रहा है, टीचर आपके पॉकेट में, टीचर को फिर पीछे कर दिया कि दोबारा से बोलो, दोबारा से मैं समझाओ, मैं नहीं समझ में आ रहा है, 100 बार क्लिक कर सकते हो, बैक कर सकते हो, ऐसी सुविधा मिलेगी कहीं? नहीं मिलेगी। लेकिन क्लास लाइव होती है, जब एक बार टीचर ने कह दिया, दोबारा डर के पूछा, उसने बिगाड़ दिया, उसने कहा कहाँ नहीं समझ में आया बताओ, जहाँ नहीं समझ में आ रहा हो पूछो, अब कैसे कहते हैं कि पूरा ही नहीं समझ में आ रहा है। तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके, व्हाट शुड बी एडेड ट्वाइस द रेशनल नंबर माइनस 7/3 टू गेट 3/7। क्या कह रहा है कि जो हमारे पास रेशनल नंबर है माइनस 7/3, ठीक है, इसका अगर हम लोग ट्वाइस कर दें, क्या कर दें ट्वाइस, जो आएगा उसमें क्या ऐड कर दें कि 3/7 आ जाए। बात समझ में आ गई होगी कि जो रेशनल नंबर आपके पास है उसका अगर हम लोग ट्वाइस कर दें, ठीक, ट्वाइस करने के बाद उसमें क्या ऐसा ऐड कर दें कि जो 3/7 यानी 3/7 मिल जाए, ठीक है, कैसे करेंगे देखिए, कहां गया बिगाड़ने वाला, कहां है कागज, कहां चला गया बिगाड़ने वाला, अरे यार तू यहां घुस गए, भगवान, समझ में आया, चलो देखो बिगाड़ेंगे नहीं, चलो बिगाड़ो, लिखनी पड़ेगी थ्योरी थोड़ी, लिखें समझाएंगे सॉल्यूशन। अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्वेश्चन की लैंग्वेज जैसे हम लिखते हैं ना ऐसे लिखना सीख लो, दांत ना दिखाओ। अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या, ट्वाइस ऑफ गिवन रेशनल नंबर थ्री इज -7/3 इंटू 2 इक्वल टू कितना हो गया -14/3। लेट एक्स शुड बी एडेड, ठीक है, लेट एक्स शुड बी एडेड टू गेट 3/7, हमने ये मान लिया, तो हमने क्या किया एक्स प्लस -14/3 यानी रेशनल नंबर के ट्वाइस में एक्स एड कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा 3/7। तो हम लोग क्या करेंगे x इक्वल टू 3/7 प्लस 14/3, ये उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, 7/3 का एलसीएम कितना होगा 21, देखो ये आ रहा है 7/3 जा 21, 3/3 जा 9, 3/7 जा 21, 14/7 जा 98, टेबल याद कर लेना, ये कितना हो जाएगा आपका 107/21, ठीक है। अब इसको कट करो, 3/7 जा 21, नहीं 3 से नहीं जाएगा,
107 अपॉन 21 यही आंसर आएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, करिएगा। तो ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा, इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल क्या है, 13 सेंटीमीटर, एंड इट्स विथ कितनी है, 2 होल 3/4। ओके, फाइंड इट्स लेंथ। सॉल्यूशन, वी नो दैट द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 2 लेंथ प्लस 2 लेंथ प्लस विड्थ। तो देखिए क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर कितना आपका दिया हुआ है, 13। तो हमको क्या निकालना है, लेंथ निकालनी है। लेट लेंथ एक्स, देन हम लोग किसका यूज करेंगे फॉर्मूले का, क्या 13 इक्वल टू एक्स प्लस पेरीमीटर इक्वल टू 2 लेंथ प्लस विड्थ कितनी दी है, 2 होल 3/4। थर्टीन इक्वल टू 2 एक्स प्लस, ये कैसे करते हैं, 4 2 जा 8, 8 और 3 कितना हुआ, 11 अपॉन 4। ओके, 13 इक्वल टू 2, ये कितना हो जाएगा, एलसीएम 4 आएगा, 4x प्लस 11। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 2 से 2 कट हो जाएगा, 2 2 जा 4। तो आगे क्या होगा, 13 into 2 is equal to 4x plus 11, 13 2 जा 26 is equal to 4x plus 11, 4x is equal to 26 minus 11, 4x is equal to कितना हो जाएगा, 15, x is equal to 15 upon 4। ठीक है, तो इसको किस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, इसी के फॉर्म में x is equal to 3 होल 3/4। इसको कैसे लिखते हैं, देखो 4 का डिवाइड किया 15 में, 4 3 जा 12, बचा कितना 3। पहले ये वाला 3 लिखते हैं 3, फिर ये बचा वाला 3 लिखते हैं, और फिर ये ऊपर वाला 3 लिखते हैं। ठीक है, तो फिर ये डिविडेंड लिखते हैं। ओके, इस तरीके से ये होता है, जानते होंगे आप लोग। तो ये एक्स हमने क्या माना था, लेंथ, तो लेंथ क्या हो गई आपकी, 3 होल 3/4। इस तरीके क्वेश्चन है, आज से चैप्टर फिनिश, क्वेश्चन लगाइएगा, जो डाउट रह जाता है वो बाद में डिस्कस होता रहेगा। ठीक है, कल से नया चैप्टर रेक्टेंगल या पॉलीगन जिसको बोलते हैं, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल, क्वेश्चन पहले समझिए उसके बाद में नोट्स बनाइए, नोट्स करिए, और भी कोई बात नहीं है। चलिए ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं जो भी दिक्कत है। बाय बाय, टेक केयर।